असलम डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स हाइड्रोलिक मशीन्स कौन कौन सी वन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड अनदर इज हाइड्रोलिक ब्रेक तो ये जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं ये इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है दैट इज पासिकल ला ये कुछ, किस उसूल पे काम करती है दैट इज पास्कल्स लॉ जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर कहीं से भी लिक्विड में एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा तो वो हर एक पॉइंट ऑफ लिक्विड को ट्रांसफर हो जाएगा इक्वली ठीक है तो इसी बात पे ये बेस्ड है जैसे फर्स्ट मशीन है हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट लिफ्ट मतलब इससे हम लिफ्ट कर सकते हैं हैवी uh, ऑब्जेक्ट्स को फ्राम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट ठीक है तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे ये हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट की डाइग्राम है इसमें क्या होता है ये आप नीचे देख लीजिए एक हॉरिजोंटल कॉन्टेनर है जिसमें एक फ्लूड बरा है बरा हुआ है और इस हॉरिजोनटल कंटेनर के दो साइड्स पर सिलेंडर है यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है ठीक है मान लीजिए स्मॉली इज़ area of cross section of narrow cylinder ठीक है और इस साइड दूसरा सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा कैपिटल ए ठीक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइडर सिलेंडर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए ठीक है अब क्या होगा अगर हम इस नैरो वाले सिलेंडर पे इसके ऊपर फिटेड है ये पिस्टन यहाँ पे भी पिस्टन फिटेड है अगर हम इस पिस्टन पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेंगे स्मॉल एफ ठीक है तो क्या होगा ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लिक्विड के अंदर आ गया वो ट्रांसमिट होगा हर एक पॉइंट पे और यहाँ से ये जो पिस्टन है ये ऊपर जाएगा यानी कि इस पिस्टन पे आप डाउनवर्ड uh, फोर्स लगा रहे हो तो इस पिस्टन पे लगेगा अपवर्ड फोर्स ठीक है यानी कि कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले पिस्टन पे आप फोर्स लगा रहे हो तो ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला पिस्टन ऊपर जाएगा अब सवाल है कि प्रेशर जो है वो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पासकल जिला प्रेशर एट ईच पॉइंट मस्ट बी इक्वल तो क्या होगा अगर हम देखेंगे ये कितना ये पिस्टन कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा लिक्विड पे तो दैट इज एफ डिवाइडेड बाई फोर्स पर यूनिट एरिया एफ डिवाइडेड बाई ए इसी तरह से जब ये प्रेशर आगे ट्रांसमिट हो जाएगा लिक्विड में ये आगे चलेगा आगे चलेगा तो ये पिस प्रेशर इस पिस्टन पर लगेगा तो इस पिस्टन पे कितना फोर्स लग रहा है या थ्रस्ट लग रहा है दैट इज कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय इस पिस्टन का या इस सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज कैपिटल ए कैपिटल ए तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दिस प्रेशर एंड दिस प्रेशर शुड बी इक्वल दिस प्रेशर एंड दिस प्रेशर शुड बी इक्वल ठीक है नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एफ डिवाइड बाई एज एक बाई स्मॉल एरिया अरेंज हमने किया और एफ इज एकवल टू एफ इंटू ए बाई ए ठीक है तो ये हमारे पास रिलेशन है दिस कैपिटल एफ इज़ फोर्स ऑन वाइडर पिस्टन बड़े एरिया वाला पिस्टन ठीक है स्मॉल एफ़ इज़ फोर्स ऑन नैरो पिस्टन या नैरो सिलेंडर ठीक है ए है बड़े पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि ज़्यादा है स्मॉल ए e है छोटी पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमारे पास एज एज कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल एज कैपिटल इज ग्रेटर देन स्मॉल ए इम्प्लाइज कैपिटल एफ ग्रेटर देन होगा स्मॉल एफ ठीक है कैपिटल एफ ग्रेटर देन होगा स्मॉल एफ ये कॉमन सेंस है अगर ए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से ठीक है तो ये क्वांटिटी जो है वन से बड़ी होगी इसको आप एफ़ से मल्टीप्लाई करो तो कैपिटल एफ़ बड़ा होगा स्मॉल एफ़ से यानी कि आप थोड़ा फोर्स इस पिस्टन पे लगाओ तो इस वाले पिस्टन पे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा इससे आप क्या कर सकते हो अगर इस पर आपने कोई मान लीजिए आपने कोई लोड रखा है कोई व्हीकल रखा है हैवी लोड है तो यहाँ से आप इस सिलेंडर को इस पिस्टन को दबा रहे हो तो ये लोड जो है बहुत हाई फोर्स से ऊपर जाएगा तो ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं टू तो लिफ्ट थिंग्स टू तो लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लोअर लेवल टू तो हायर लेवल बेस्ड ऑन पास ला दूसरी जो मशीन है दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक सेकेंड वन इज हाइड्रोलिक ब्रेक जो व्हीकल्स में हम ब्रेक अप्लाई करते हैं दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पासकल्स ला तो पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे ये हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक की डायग्राम है इसमें क्या क्या होता है कंस्ट्रक्शन में ये ब्रेक है ब्रेक पैडल जिसको हम बोलते हैं ये आगे इसके साथ लिवर सिस्टम कनेक्ट है और लिवर सिस्टम आगे कनेक्ट है पिस्टन के साथ और ये जो सिलेंडर है यहाँ पे जो सिलेंडर इट इज कॉल्ड एज मास्टर सिलेंडर मास्टर सिलेंडर इस मास्टर सिलेंडर के अंदर ये जो पूरा ये जो ग्रीन डॉट्स हैं दिस इज ब्रेक ऑयल इट इज कॉल्ड एज ब्रेक ऑयल ब्रेक ऑयल तो आगे एक और सिलेंडर है दिस इज कॉल्ड एज व्हील सिलेंडर इसका नाम क्या होता है व्हील सिलेंडर तो हाइड्रोलिक ब्रेक में हम दो सिलेंडर्स यूज करते हैं वन इज मास्टर सिलेंडर एंड अनदर इज व्हील सिलेंडर व्हील सिलेंडर के साथ अटैचड होते हैं दो पिस्टन पी वन एंड पी टू ठीक है और यहाँ पे होते हैं ब्रेक शूज एस वन एंड एस टू और ये जो आपको बड़ा ये दिख रहा है दिस व्हील ठीक है तो कैसे ये काम करता है पास्कल्स ला पे जैसे ही आपने ब्रेक को प्रेस किया इस ब्रेक पेडल को प्रेस किया तो ये लीवर सिस्टम जो यहाँ पे है ये काम करेगा ये पिस्टन को पुश करेगा पिस्टन पी जो है मास्टर सिलेंडर का पिस्टन इसको अंदर पुश करेगा तो इस ब्रेक ऑयल पे इस फ्लूड पे प्रेशर होगा प्रेशर आएगा एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर से इंक्रीज़ इन प्रेशर होगा और वो इंक्रीज इन प्रेशर यहाँ से आएगा जाएगा किस में व्हील सिलेंडर में व्हील सिलेंडर में जब ये प्रेशर आएगा तो पिस्टन्स P1 वन एंड पी टू दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ये बाहर की तरफ जाएंगे जब ये बाहर की तरफ जाएंगे तो ये फोर्स लगाएंगे किन पे ब्रेक शूज़ पे S1 वन एंड एस जो ब्रेक शूज़ हैं वो अटैच हो जाएंगे किसके साथ रिम ऑफ इनर इनर रिम ऑफ व्हील व्हील का जो अंदर वाला साइड है उसके साथ लग जाएंगे तो ये ब्रेक काम करना शुरू करेगी ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ जो यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर आया इस फ्लूड पे ब्रेक ऑयल पे मास्टर सिलेंडर में कहाँ से प्रेशर आया जब आपने ब्रेक का पैडल दबाया लेवर सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया फ्लूड पे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स ला वो ट्रांसमिट होगा इक्वली वो आगे जाता है सीधे किन पिस्टन्स की ट्रांसफर हो रहा है पी वन एंड पी टू वो आगे पुश करते हैं ब्रेक शूज़ को और ऐसे ये ब्रेक काम करता है और यहाँ से इसी तरह से जो आगे है ये जाएगा बाकी व्हील्स की तरफ टू अदर व्हील्स तो इस तरह से जो ये आ, ब्रेक काम करती है ये ये टायर्स के मोशन को स्टॉप करती है तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स ला तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि पास्कल्स ला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइट इट हैज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन डे टू तो डे लाइफ थैंक थे। यू